हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पटरी पर लौटा सामान्य जनजीवन। लॉकडाउन 4 के प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी होने के पहले दिन ही मंगलवार को जोधपुर में अधिकांश बाजारों में दुकानें खुल गई। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ व्यापार और प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत दी थी। इसको लेकर लॉकडाउन के चलते करीब 2.25 माह के बाद दुकानें आज बिना पाबंदी वाले इलाकों में खुल गई। इसके परिणाम स्वरूप बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी गतिविधियां आज फिर से शुरू हो गई। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, होटल, सिनेमा और केंद्र राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर तमाम गतिविधियां शुरू हो गई। लॉकडाउन 4 के लिए राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के साथ ही उद्योग धंधे, बाजार, परिवहन सेवाएं और निजी व सरकारी दफ्तर भी आज से खुल गए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 में सैलून और पार्लर को बड़ी राहत दी है। छूट मिलने के साथ ही आज अधिकांश पार्लर और सैलून खुल गए। हालांकि डर और खौफ के चलते लोग इन दुकानों पर जाने से अभी कतरा रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर लोग पिछले लंबे समय से बड़े बाल पाते नजर आए। यहाँ पर लोग खुद ही जागरूक होकर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। वहीं आज सुबह ही लोग अपनी जरूरतों की चीज खरीदने बाहर निकल पड़े। दुकानों पर दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर सड़कों पर वाहनों की रेलम्पेल दिखाई दी। सबसे ज्यादा भीड़ इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों पर देखने को मिली। यहाँ लोग पंखे, कूलर आदि ले जाते दिखे। दोपहर में तो यहाँ दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में कारें, दुपहिया वाहन, लोडिंग टैक्सियां सामान लाते ले जाती दिखी। हालांकि लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और ढाबे भी खुले हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के चलते केवल होम डिलीवरी और भोजन पैक कर ले जाने की ही इजाजत दी गई है। इसके साथ ही रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम गतिविधियां अभी भी बंद रहेंगी। पर कोटे के अधिकांश इलाके कंटेनमेंट जोन में आते हैं। यहां तमाम बड़े बाजार और दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।